बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं मग केक। ठीक है, मग में हम केक बनाएंगे आज, और 2 मिनट में ये केक तैयार हो जाएगा। और ये बड़ी आसान सी रेसिपी है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए, मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, मैंने एक मग लिया है, ये बड़ा मग लिया है। ठीक है, कोई भी मग ले सकते हैं आप। तो उसमें मैं 2 स्पून डाल रही हूँ मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर से होता है इसको, मैदा जो होता है वो 2 स्पून मैंने मैदा डाला है इसमें। ठीक है, और इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून कोको पाउडर। ठीक है, 2 स्पून ही कोको पाउडर जाएगा इसमें, जितना मैदा लिया है उतना ही मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ इसमें। ठीक हो गया, किसी भी ब्रांड का आप कोको पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा। ठीक है, और बेकिंग सोडा जाएगा इसके अंदर, बेकिंग पाउडर है ये जो केक वगैरह में यूज होता है वो जाएगा। एक सोडा होता है जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, ये बेकिंग पाउडर है, और ये हाफ से भी कम स्पून जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हाफ से भी कम जाएगा, बस इतना सा बस जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे 2 स्पून चीनी, 2 स्पून मैदा है तो चीनी भी 2 स्पून ही जाएगी। ठीक हो गया, 2 स्पून इसमें चीनी चली गई, भर के 2 स्पून चीनी के डाल के इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारे खुश्क इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, उनको इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 2 स्पून जितना हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, 2 स्पून ऑयल जाएगा इसमें, 1 एंड 2। भर भर के आप डालिएगा, जैसे 2 स्पून मैदा लिया है उसी तरह 2 स्पून इसमें चीज़ें जाएंगी। सर 2 स्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें। ठीक है, मिक्स कर लिया, और 2 स्पून जितना हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे। ठीक है, नीम गर्म दूध है, ठंडा नहीं है, अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे मिक्सचर इसका बनेगा क्रीमी फॉर्म में, तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। दूध डाल के थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करती जाऊंगी, जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें वनीला डालेंगे, वनीला एसेंस बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा एज अ टेस्ट के लिए। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको चला लें अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये क्रीमी सी फॉर्म में आ गया है इस तरह। 2 से 3 स्पून डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था दूध के, दूध में थोड़ा और इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ठीक हो गया, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए बस हम ओवन चलाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमारा तो 2 मिनट में बन जाता है। ठीक है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, अगर बच्चे कभी केक की फरमाइश करें तो इस तरह मैं जल्दी से उनको मग में बना देती हूँ। इसको सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं लगते हमारे, और जल्दी से केक रेडी हो जाता है। देखिए कितना क्रीमी फॉर्म में आ गया है, और इसको मिक्स करने के बाद सारा, ठीक है, ये सारा। अब ये मैंने चॉकलेट ली है, आपके पास ब्लैक व्हाइट कोई भी चॉकलेट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह की बाजार से मंगवा सकते हैं, जैसे आम बच्चे घर में यूज़ करते हैं खाते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट ली और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह चॉकलेट है और ये मैं सारी की सारी इसके अंदर ऐसे ऐड कर रही हूँ, ऐसे सीधी। ठीक है, ये देख लें, इस तरह मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसको अमन में रख रही हूँ। कोई भी अमन है तो आप इसमें डाल के, तो 2 मिनट के लिए, 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है जी व्यूअर्स, आवर मग केक इज रेडी। ठीक है, ये देखें केक हमारा बन चुका है, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, इस तरह से, और मैं इसको अंदर से चेक कर लेती हूँ कैसा बना है ये। ये देखें, ठीक है, इस तरह से, और ये देखें, ठीक है, कितनी प्यारी लुक आई है, और चॉकलेट भी इसके अंदर जो हमने ऐड की थी वो भी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी रेसिपी को लाइक किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, केक बहुत गर्म है और मैंने इसको थोड़ा सा चख भी लिया है, तो
अल्लाह हाफिज़।